अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। इंडिया के हवाले से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, लगभग हज़ारों करोड़ों में नुकसान हुआ है। क्या खबर है वो पूरी जानकारी मिलेगी। और कुवैत के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से अलग अलग तरीके से लोग पकड़े गए हैं। और एक खबर बात करेंगे हम सऊदी अरब के हवाले से। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फॉलो जरूर कर लें। आप लोग फेसबुक पेज पर देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, आप ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के फरवानिया से। फरवानिया में 22 लोगों को पकड़ा गया जो का रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे, और इनको पकड़ने के बाद में आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। देखिए, अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो पकड़े जा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मिनिस्ट्री ने अभी कहीं पर भी इस तरीके का जो है अपडेट नहीं दिया है कि पकड़ धकड़ में ढील डाली जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि जितने ज़्यादा लोग पकड़े जाएंगे और भी ज़्यादा सख्ती से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इलीगल लोगों के लिए तो काफ़ी परेशानी है, और जो लीगल तरीके से काम करते हैं उनके लिए भी परेशानी यह है, क्योंकि अपने काम से दूसरा काम करेंगे तो परेशानी उनको आएगी। उसके बाद में महबूला में जो है पकड़े गए हैं 10 लोग, और ये 10 लोग जो पकड़े गए हैं लेडीज मर्द दोनों मिक्स हैं इसमें, और इसमें अधिकतर जो लेडीज़ हैं वो पकड़ी गई हैं क्योंकि ये गलत काम, गलत धंधा वगैरह कर रही थी। तो अगर आप महबूला में कहीं पर भी किसी एरिया में भी रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, गलत एक्टिविटी बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर 2 अफ्रीकन बंदे पकड़े गए हैं, और ये अफ्रीकन बंदे इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि इनके पास में जो भी था नकली करेंसी वगैरह बना रहे थे और नकली केडी इनके पास में था। हालांकि ये चीज़ें अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं, और इस तरीके से नकली करेंसी जो है मार्केट में लेकर भी आते हैं। अब इनसे जो है आगे कार्रवाई की जा रही है, इन पर जो भी है पूछताछ हो रही है कि भाई आपके पास में ये कहाँ से आई, आप बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो अगर आप 10-20 जो भी हैं कितने भी नोट ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपको लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो है नकली करेंसी कुवैत की मार्केट में टहल रही है, मतलब चल रही है, तो हो सकता है आप भी नकली करेंसी के शिकार हो जाएं या फिर आपको भी परेशानी हो जाए और आपका भी काफ़ी बड़ा लॉस हो जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है इंडिया के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है इंडिया के अंदर अभी तूफान जो है वो आया हुआ है, जो कि तूफान समंदरी तूफान आया हुआ है, उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, और जो समंदर के किनारे गाँव है और जो खेती की किसानी है या फिर जो भी समंदर में नमक वगैरह का काम धंधा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सारा जो है वो फना हो चुका है, सारा गर्क हो चुका है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो नुकसान है लोगों का, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, मतलब जो गांव वगैरह है वो भी चले गए और घर वगैरह भी गिरे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान, इससे भी ज़्यादा बताया जा रहा है। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कितना बड़ा ये तूफान आया है और कितना बड़ा नुकसान जो है इसने किया है। आप मौत का हिसाब भी खुद लगा सकते हैं, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि कोई ख़त्म नहीं हुआ गया, तो इसमें लोगों की मौत भी हुई है, गांव के गांव पूरे उजड़ गए हैं, और इसमें घर के घर पूरे पेड़ पौधे वगैरह सब जो है फना हो चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना भयानक ये तूफान आया है, और अभी भी ये ऐसा नहीं है कि चला गया, अभी भी जो है वो गुजरात के अंदर तूफान के झटके पाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से। हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि खादम वीज़ा को सोन वीज़ा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वीज़ा को अभी इस तरीके से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कंपनी टू कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, खादम टू खादम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो थोड़ा ईजी रहता है, लेकिन आप पूरा जो है सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं तो अभी इस तरीके का कोई अपडेट नहीं है। अगर इस तरीके का कुछ भी आने वाले वक्त में अपडेट मिलेगा तो हम आप तक शेयर कर देंगे। आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी और इसी फेसबुक पेज पर वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से आपने ट्रांसफर करना है अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का कुछ भी अपडेट आता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।